जी हाँ बच्चों, आज के क्लास में हम लोग नीट का नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, नया चैप्टर एनवायरमेंटल इशू। हेडिंग होगा एनवायरमेंटल इशू। इकोलॉजी में ये चैप्टर आएगा एनवायरमेंटल इशू में। एनवायरमेंटल इशू में एनवायरनमेंट किस किस चीज़ों से गंदा हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, कौन कौन सा सब्सटेंस है, कौन कौन सा काउजिंग सब्सटेंस है जिसके वजह से क्या हो रही है, एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है, हमारी कौन कौन सी एक्टिविटी है जिसके वजह से एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है ना, और हमें क्या क्या करना चाहिए इसके लिए, किस तरह से बचाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के चैप्टर में देखेंगे। ये रीड के लिए इकोलॉजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पोल्यूशन से, इन्वायरमेंटल इशू। इन्वायरमेंटल इशू कहने का मतलब हवा पानी और मिट्टी जो कि गंदा हो रहा है ना, ये इशू है इन्वायरमेंट में क्रिएट हो रहा है हमारे चारों तरफ। ये इस तरह से क्या होगी, हमारे चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट होगा ये हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा है ना, इनके साथ हमारा इंटरेक्शन होती है इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में हम लोगों ने देखा था हमारा इंटरेक्शन किसके साथ होती है, हमारी आसपास के एनवायरनमेंट के साथ होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटिक फैक्टर या फिर अबायोटिक फैक्टर। तो ये बायोटिक फैक्टर अबायोटिक फैक्टर हमारे आसपास जो हैं ये गंदा ना हो, हमारे लिए सूटेबल हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे यूज़ के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल है। बट ऐसी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी या फिर जो है नेचुरल एक्टिविटी जिसके बिहाव पे एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है। तो पोल्यूटेड हो रहा है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे पोल्यूशन, पोल्यूटेड हो रहा है दैट मीन्स पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन की अगर बात करें तो पोल्यूशन क्या है, हमारे आसपास ऐसा सब्सटेंस जो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल हो, अनडिज़ायरेबल चेंज हो, फिज़िकल बायोलॉजिकल केमिकल फीचर्स, हवा पानी सॉइल ये सब गंद, एक तरह से क्या हो, एक तरह से अनडिज़ायरेबल चेंज हो, उसको हम लोग पोल्यूशन बोलेंगे, जो हमारे लिए क्या हो, बेनिफिट ना हो, ख़तरनाक हो इन फ्यूचर है ना हमारी हेल्थ के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल्यूशन बोलेंगे। पोल्यूशन का डिफिनेशन अगर बोलें तो क्या बोलेंगे, इट इज़ एनी अनडिज़ायरेबल चेंजेस, अनडिज़ायरेबल चेंजेस इन फिज़िकल उसके बाद कह सकते हैं केमिकल बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल केमिकल ओके केमिकल फीचर्स ऑफ वाटर एयर एंड सॉइल, जो नेचुरल फॉर्म में है उसमें अनडिज़ायरेबल चेंज हो इन फिज़िकल बायोलॉजिकल और केमिकल फीचर्स में है ना, केमिकल फीचर्स में, किसका केमिकल फीचर्स में, जो नेचुरल वाटर है, एयर है और सॉइल है उसमें कुछ अनडिज़ायरेबल चेंज होना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल्यूशन बोलेंगे। इट इज़ एनी अनडिज़ायरेबल चेंज इन फिज़िकल बायोलॉजिकल एंड केमिकल फीचर्स ऑफ वाटर एयर एंड सॉइल इज़ कॉल्ड पोल्यूशन, उसको क्या बोलेंगे, पोल्यूशन बोलेंगे। पोल्यूशन अगर होगा तो उसको गंदा करने वाला, पोल्यूट करने वाला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल्यूटेंट। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे पोल्यूटेंट, ये पोल्यूटेंट ही क्या करेगा, पोल्यूशन करेगा, वाटर एयर और सॉइल को क्या करेगा, गंदा करेगा, पोल्यूट करेगा। तो यहाँ पे पोल्यूटेंट के रिगार्ड अगर बात करें तो ये पोल्यूटेंट होता क्या है, ये एक केमिकल एजेंट होता है जो क्या करता है यहाँ पे अनडिज़ायरेबल चेंजेस जो करता है, ये केमिकल सब्सटेंस है जिसके वजह से ये सारी चीज़ें चेंज होती है, हवा पानी मिट्टी इसमें कुछ प्रदूषित होती है तो कुछ चेंजेस होता है, कैसा चेंज होता है, अनडिज़ायरेबल चेंजेस।
और उस अनडिजायरेबल चेंजेस के पीछे कोई केमिकल एजेंट होता है। तो पोल्यूटेंट की अगर बात करेंगे तो ये पोल्यूटेंट क्या होगा, क्या होगा, केमिकल एजेंट होगा, क्या होगा, केमिकल एजेंट, केमिकल एजेंट विच, केमिकल एजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल which is responsible for any changes, वो क्या कहलाएगा, केमिकल एजेंट ही क्या कहलाएगा, पोल्यूटेंट कहलाएगा। पोल्यूटेंट केमिकल एजेंट है जो क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा अनडिजायरेबल चेंज के लिए। किसके चेंज के लिए, ये जो हवा पानी और मिट्टी है इसके फिजिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस या फिर केमिकल चेंजेस, केमिकल फीचर्स का चेंजेस करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल्यूटेंट बोलेंगे। ओके, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की अगर बात करें, अब ये पोल्यूटेंट है ना, केमिकल एजेंट ज़्यादा हो रहा है हमारी जो वाटर एयर और सॉइल है, ये क्या हो रहे हैं, पोल्यूट हो रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू एक एक्ट निकला, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, क्या निकला, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट ये बना 1986 में ये एक्ट बना, प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत क्या हुआ, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, या फिर एनवायरनमेंट में जो भी सब्सटेंस है, हवा पानी मिट्टी, इसको इम्प्रूव किया जाए, इनके क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये पास हुआ। इसमें एक्चुअली किस बातों को याद रखा गया, ध्यान में रखा गया कि यह जो एनवायरनमेंटल फैक्टर है, इनको, इनके क्वालिटी को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, इनके क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट एक्ट में क्या मेन मुद्दा था, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, और कह सकते हैं इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट कह सकते हैं, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, तो यहाँ पे जो क्वालिटी है एनवायरनमेंट की, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या फिर प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। इस एक्ट के भी यहाँ पे 1986 में ये जो पास हुआ, इसके भी यहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का ये सारा क्या मैटर उसमें रखा गया, पास किया 1986 में। तो इसमें एक्चुअली क्या क्या पोल्यूटेंट के रिगार्ड बात किया, ये पोल्यूटेंट का ओरिजिन, फिजिकल नेचर है ना, किस पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट से ये होता है और इमिशन कहाँ से होता है, ये सारी के सोर्स क्या हैं, कहाँ से ये इमिशन हो रहा है, किस तरह से इसको बचाया जाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे जो एनवायरमेंटल एक्ट है, प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो ये पास हुआ, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले ये जो पोल्यूशन हमारा हो रहा है, किस क्षेत्र से हो रहा है, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, पहले उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे ओरिजिन की, है ना, ओरिजिन। दूसरा जो होगा फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर। तीसरा जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, उसके बाद इमिशन, कहाँ से इमिशन हो रही है, क्या क्या इमिशन हो रहा है, एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करेंगे।
अब अगर पोल्यूटेंट की बात करें तो नेचुरल वे में भी पोल्यूट हो सकता है एनवायरनमेंट, हवा पानी और मिट्टी, या फिर ह्यूमन एक्टिविटी से भी हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। ओरिजिन बेसिस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो नेचुरली ओरिजिन हो सकता है नेचुरल बेसिस पे, नेचुरल फॉर्म में पोल्यूशन हो सकता है, और दूसरा जो होगा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी थ्रू ह्यूमन होता है। क्या होता है? थ्रू ह्यूमन, ह्यूमन के थ्रू होती है ये, नेचर के थ्रू। ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जो होती है थ्रू ह्यूमन, है ना। और नेचुरल पोल्यूशन, नेचुरल एक्टिविटी, नेचुरली जो है पोल्यूशन ओरिजिनेट होता है कुछ कुछ वजह से, तो हम लोग यहाँ पे नेचुरल फॉर्म में वो तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस एक्ट में जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के थ्रू, ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू जो पोल्यूशन हो रही है, उस एक्टिविटी पे क्या करना, कंट्रोल करना थ्रू ह्यूमन एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। यहाँ पे जैसे हम लोग खेतों में इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड, वीड को मारने के लिए वीडिसाइड, और पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, ये हमारा ह्यूमन के आसपास का जो इन्वायरमेंट है ये उसके फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल में चेंजेस होता है, किसके? हवा पानी और सॉइल, जिस वजह से क्या होती है हमारी एनवायरनमेंट गंदा होता है। ओके, पोल्यूशन, पोल्यूशन करने वाले एजेंट को क्या बोलेंगे? पोल्यूटेंट। और ओरिजिन बेसिस पे अगर देखें तो नेचुरली भी पोल्यूशन हो रहा है और ह्यूमन एक्टिविटी से भी पोल्यूशन हो रहा है। क्या क्या हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी में आ जाएगा? फर्स्ट हम लोग ओरिजिन को देख रहे हैं, तो ओरिजिन में नेचुरल बेसिस होगा, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होगा। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी में इंसेक्टिसाइड होगा, वीडिसाइड होगा, उसके बाद हर्बिसाइड्स होंगे, इनके थ्रू, है ना, इंसेक्ट को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड, उसके बाद वीडिसाइड, हर्बिसाइड, वीड्स, हर्ब्स एक तरह से ही हुआ, पेस्टिसाइड का भी यूज़ करते हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए, पेस्टिसाइड। तो इसके वजह से क्या होती है हमारी जो इन्वायरमेंट है ये गंदा हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है। तो पोल्यूशन का मेन काउज क्या है? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, इंसेक्ट, वीडिसाइड, हर्बिसाइड जिसको बोलते हैं, पेस्टिसाइड, इसको यहाँ पे इस तरह से क्या करना, ओरिजिन, है ना, पोल्यूशन कहाँ से ओरिजिन हो रहा है? आदमी की एक्टिविटी से हो रही है। दूसरा जो हम लोग फिजिकल नेचर देखेंगे, फिजिकल नेचर में हम लोग बात करेंगे नॉइज पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, और फिर गैसियस डस्ट, ये सब जो है पोल्यूशन का मेन काउज है। ये सारी चीज़ों को हम लोग मेंशन करेंगे, फिजिकल नेचर को हम लोग देखेंगे सेकंड। फिजिकल नेचर में कौन कौन आएगा जो क्या करेगा? फिजिकली पोल्यूट करेगा एनवायरनमेंट को, नॉइज आ जाएगा, थर्मल आ जाएंगे, नॉइज से जो पोल्यूशन हो रहा है, जैसे कैसे? हाई लेवल नॉइज, है ना, हाई लेवल साउंड की वजह से, हाई लेवल साउंड से क्या हो रही है? एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है। दूसरा जो होगा थर्मल की वजह से, गर्मी की वजह से, थर्मल एक्टिविटी, है ना, अर्थ का जो है क्या हो रहा है, टेम्परेचर हॉट हो रहा है, या फिर कह सकते हैं हॉट वाटर थर्मल एक्टिविटी से, पानी गर्म हो रहा है, हॉट वाटर। तीसरा जो होगा फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल नेचर ऑफ पोल्यूटेंट, वो क्या होगा? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, है ना, रेडियो एक्टिव केमिकल्स, रेडियो एक्टिव केमिकल्स। चौथा हम लोग बात करें फिजिकल पोल्यूटेंट की, फिजिकल नेचर ऑफ पोल्यूटेंट,
तो फिज़िकली जो है जो डस्ट पार्टिकल्स होती है, गैसेस होती है, वो भी क्या करता है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। गैसेस फिफ्थ में जो होगा डस्ट पार्टिकल्स, है ना। डस्ट पार्टिकल्स कहने का मतलब जो डस्ट, मिट्टी वाला डस्ट वो होता है, या फिर सीमेंट फैक्ट्री वाला डस्ट, या फिर जो अदर अदर जगह पे इस तरह से डस्ट भी क्या होता है, फिज़िकल फिज़िकल नेचर में ये क्या करता है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, फिज़िकल नेचर के बाद पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, थर्ड केमिकल फैक्टर्स, थर्ड केमिकल फैक्टर्स में देखेंगे पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट।